सारी स्पाइस ट्राई कर ली मुकम्मल, लेकिन खबरों के कह दिता कि दो दिन जी ने सर्विस नहीं आनी, लेकिन कल तक जी कम शाम लगे हुए। सलाम अलैकुम। बड़े दिन मैं उम्मीद चाह लिया कि बड़े दिन गया सी मैं वो उत्ते रोड दे खलो खलो के शायद नज़र आ रहे हो है खंबा शरीफ हैगा सिग्नल जिन्हें अज बिल्कुल कोई नहीं आ रहा। बिलाल अपलोड करता रहा, काफ़ी देर ट्राई किया लेकिन गलबात कोई नहीं बनी। हूँ मैं चलिया वापस, हूँ वेख रहे हैं कि कदों सर्विस आती, क्योंकि सर्विस तो फुल हैगी लेकिन ना इंटरनेट बिल्कुल नहीं चल रहा है। देखो कि शड्यूल बनता की सूरत बनती है। बस कोई नहीं वेखा, मैं भी हो सकता है कि देला मेरा टाइमो टाइम ब्लॉग अपलोड कर ला लेकिन ना गल नहीं बनती पी। है जी आ गया कब्रिस्तान, हैगी मोबाइल की जेना बैटरी भी लो हुई खलोती है जी। रात बहुत हो चुकी है लेकिन कोई नहीं चलने, अल्लाह पाक खैर करेगा। बस खौफ भी आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। की हाल चाल है तमाम भैन भाइयों की, उम्मीद करना सब ठीक हो, उनके जितने भी हो खुश रहो बाद रहो हमेशा हंसते वसते रहो। अलहमदुलिल्लाह शुक्र अलहमदुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करना मेरे वेखन चावल तमाम भैन भाई बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम जी एक नए विलाग तमाम भैन भाइयों को खुश आमदीद कहना, सुबह बखैर गुड मॉर्निंग तमाम भैन भाइयों जी पुत्र। हाँ जी इधर गया सी काम, अज तो ना पूरे है पाकिस्तान जैसे इंटरनेट इज गायब, इंटरनेट तो जैसा हैगा ही नहीं, पता नहीं की कर दिता ने फड़ के। चलो ये शुक्र है अलहमदुल्ला कॉल चल रही, इंशाल्लाह उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगी। वाई फाई तो पता कर गया से मैं ब्लॉग वगैरह अपलोड करिए, रात का अपलोड जीता कि फोन समझ सके हम देखने ब्लॉग अपलोड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यार इतने आया तो भाईजान और भी जेना है कि मैं आके वाई फाई तो चलाने वेखो अल शबीर आटोज वाई फाई लगे हुए लेकिन नैट भाईजान और भी बंद हो गया। हम वेख रहे हैं दो दिन तो बंद है कि नहीं, इतने हम भाई मोटरसाइकिल थोड़ा बहुत कम कराना करा लेने तो इंशाल्लाह फिर चलने के नैट वाला तो जवाब हो गया। वेलकम जी तो भाईजान और आ गया, क्योंकि असल से परेशानी इन्होंने सेम ही बनी, क्योंकि इन्होंने आके शायद हो सकता है कि मतलब कि ना वा खंबा जहर का इतनी सर्विस वगैरह आई हो लेकिन सर्विस जेने इतने कोई नहीं। हाँ लेकिन क्यों ना खबरों के भी कह दिता कि दो दिन जी ने सर्विस नहीं आनी, लेकिन कल तकरीबन 4:30 बजे की गई हुई मेरे ख्याल से। हाँ ना विलाग अपलोड हो रहे हैं ना मतलब कि ना कॉल वगैरह सर्विस कदे आ जाती है कदे चली जाती है, रात नू टैली नार दिया ही लेकिन हुण वह भी चली गई। फिर हाँ बच्चे सारे सिस्टर आंदियां ने सारे आओ, हर एक चीज़ बंद हो गई, उनकी करे भाई जहाज हो रहा वैसे तेन हो फ्रैंक ही कहते भी शायद चलता पे हो शायद अगे हो जाता मतलब
ਜਦੋਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰਵਿਸ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ੂਕਾ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆਹੋ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਫਿਕਰ ਕਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮਾਨ ਚਲੀ ਜਾ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਧਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਭਾਈ ਜਾ ਵੀ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਵਲੌਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਲ ਵਾਲੇ ਸਿਗਨਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰੇਟਰ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ ਬਾਹਰ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਸ਼ਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਿਲਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਬਾਈ ਅਸ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਵਨ ਰੋੜੇ ਐਕਸਾਈਟ ਅਤੇ ਰੋੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਨਾ ਕੁਟਾਈ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਹੈਗਾ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਜੇ ਸਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਸਰੀਆ ਆਲਰੇਡੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਸੈਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਆ ਗਿਆ ਛਾਲ ਜਿਹਾ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੇਖ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਚਾਹ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਚਲੇ ਹਾਂ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਜੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਪਿਆ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਘਰੇ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਆ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਲਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਵੇਖੋ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫੋਰਨ ਸ਼ੈਡ ਦੇ ਆਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਫੁੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਕੋਈ ਸੇਮ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਡੋਡੀ ਅਗਰ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਡੋਡੀ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਖਲੋਤੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਖਿੜੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਇਹ ਬਲੈਕ ਕੋਬਰਾ ਅਤੇ ਆਹ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਕਲਰ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਕਲੇਜੀ ਕਲਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵਿਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਿਕਲੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਅੱਲਾ ਹੋਰੀ ਜੀ ਇੱਧਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਆਟਾ ਪਿਆ ਚਲੋ ਲਗਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸੁਬਹਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮੀ ਹੋਰੀ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਨਿਬੇੜੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਬੋਰਾਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਏਟ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਸੁਬਹਾ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਵੇਂ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਜੇ ਰਾਜ ਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਾਲਾਂ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਨੈਟਵਰਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਹੀ ਬਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂਜੀ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਵੱਜ ਚੱਲੇ ਆ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਰੂਟੀਨ ਵਲੌਗ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਣਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਲੌਗ ਅਪਲੋਡ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਮਿਕਸ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਨਾ ਨੈਟਵਰਕ ਆਇਆ ਨਾ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮਜ਼ੀਦ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਲਗਵਾਉਣ ਲੱਗਾ ਮਤਲਬ LCD ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ USB ਵਗੈਰਾ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਭਰ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਸਟਮਰ ਮੇਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਪੈਕੇਜ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਖਰਚਾ ਉਹੀ ਦਾ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹੀ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ 2000 ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਈਫਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵਾਈਫਾਈ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਲੌਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਰੱਖਾਂਗਾ
मैं दूसरी एक स्कीम सोची है कि सब्जी वाली इंशाल्लाह, क्योंकि ना मैं मजीद मैं कह गया इंशाल्लाह कोशिश करने हैं कि अपने कारोबार को मजीद तरक्की ले जाइए, मजीद इंप्रूवमेंट करिए, मेरे सोर्स बनाइए ताकि परेशानियाँ ख़त्म हो जाए। जो तक सोर्स ऑफ इनकम नहीं होएगा तो मेरी परेशानियाँ ख़त्म नहीं होंगी। इस करके मैं दिन रात जिन्ना हो सके टाइम दे रहे हैं अपने कारोबार में, अपनी दुकान में, ताकि मजीद बढ़े। देखो माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अच्छी खासी सेल भी होती है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र हैगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये काम क्योंकि ना मेरी दुकान चुका काम दुकान चु ही कराँगा, बाकी घर का काम मैं इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। बाकी चंद एक प्रॉब्लम हैगी लेकिन मैं शेयर नहीं करना चाहता क्योंकि ना मैं थोड़े मुँह से ना चेहरे से खुशी देखना चाहना, ना कि मैं कोई टेंशन वाली गल करा तो टेंशन हो। इंशाल्लाह बस दुआ की करो, अल्लाह पाक मेरिया दुआ हमेशा थोड़े नाल हैं, अल्लाह पाक तुम्हें सेहत तंदुरुस्ती दे तो थोड़ी भी तमाम परेशानी दूर करे। हाँ जी इस जगह तो घी रखे होंगे ये चक के रखे इस चेहर से, क्योंकि ना एक दो बार इन्ना कोशिश की गई है मेरे जो दुकान दे समान चोरी करन दे, लेकिन उस करके मैं इधरों इंज किया क्योंकि चाहते कि मेरे कस्टमर इस लो इस मतलब घरों घर वाली साइड तो आ जाते, इस करके इतों जी शिफ्ट किया मैं इस साइड से। दिल मेरा कि जो दाने है सारे छापर ए टू जैड कट्टे करा, बोरी भी चेंज करा, तो इन्होंने सेल करके यदा भी दुकान के मजीद कोई समान वगैरह लै आव, मतलब कि होर तो कोई नहीं इंशाल्लाह बोतल वगैरह मजीद थोड़ा बहुत समान है। हाँ जी बोरी कर ली खाली, ऐ दूसरी बोरी पा ली, हूँ मैं चलिया दाने सेल करके एक तक कल जिन समान लिया वो 4100 रुपया उधार किया गया, तो उम्मीद है मेरे दाने इन्ने वे आ गया सेल करने हैं, सेल करके अगर 4 पैसे बचे तो फिर जो मैं इंशाल्लाह वह समान लैके आवेंगे, नहीं तो अगला उधार क्लीयर करा ताकि मजीद मैं कल अल्लाह ना करे जरूरत पवे मैं उधार मिल भी जाए। इस करके चलने तो बेगम जिन तेरा नवा रही है नवा लेंगे कि फिर उन्होंने दुकान पर बिठा के फिर जो ना दाने सेल करने चलने चल के हिसाब किताब क्लीयर करके आवेंगे, क्योंकि ना तुम दस अगर अच्छा करे तो अच्छा करो। वो है साढ़ा ना ए सिस्टम ही खराब फिर है, क्योंकि ना बात नहीं वहाँ के खाली उच्ची ना कुछ सिस्टम जो खराब है काफ़ी दिन का पानी वगैरह नहीं जाता है। इंशाल्लाह मुस्तकबिल जो गटर वगैरह तो बनाया होगा यद पानी इंज जाएगा इंशाल्लाह। हाँ जी मैं उधर याद आया कि तू एक सिस्टम सोचा कि उतु मेरा पानी डायरेक्ट सीधा जाएगा उच्चा होगा वाशरूम पानी बासानी जाएगा, उस हिसाब ना घर का कोई नक्शा ही हैगा बनाया हुआ, अगर किसी जगह तो मिस्टेक हो तो अपनी राय का कीमती राय का इजहार कमेंट ऐसे लाजमी दसना हैगा जी। ए सामना कमरा तो माशाल्लाह तैयार हो गया शुक्र अलहमदुल्ला, नाल भी ये कमरा नाल विंडो ए दीवार जी ने बिल्कुल अटैच हो जाएगी वो खला खत्म हो जाएगा। ए जी कमरा हो गया नाल विंडो इतने तो नाल इतने आ गया दरवाज़ा, तो इस जगह तो राइट इतों इंज ए लाइन के जो दीवार आनी हैगी सीधी बिल्कुल स्ट्रेट इंज इतने लगावे दरवाज़ा, जिस तरह कह लो कि अपना टीवी लॉन इन बनाना है ना कि बरांडा, तो इस तो अगर जो आएगा सिस्टम यह होएगा बरांडा साडा एतने तक, तो अगे साडा जिमें आएगा इतने आएगा बाथ, तो यह साडा रहेगा ओपन किचन ही, तो बाकी माड़ा जहा पार्क रखांगे, इन्ना सारा साडा वाशरूम तो बर्तन धोने वाला तो सारा सिस्टम इतने जितने नलका लगा इस पहली साइड तो होगा बाथ या इंज करके, तो इतने बाकी जो बर्तन वगैरह धोने वाला कपड़े धोने वाला सारा सिस्टम इतने इस एरिए होना है। एक प्लैनिंग की इंशाल्लाह इंशाल्लाह कदे ना कदे जो भी रब ने हिम्मत दी इंशाल्लाह कदे ना कदे यह सिस्टम बनेगा, लेकिन है खास तौर पर हूँ मैं सब तो जो पहल करनी है तो यह है कि वाशरूम जेना शिफ्ट करांगा इंशाल्लाह थोड़े ने, क्योंकि ना वाशरूम वगैरह यूज़ करना ना ना मुश्किल हो जाता क्योंकि पानी जेना बाहर नहीं जाता, क्योंकि ना गटर वगैरह कोई नहीं है पाइपलाइन कोई नहीं है तो बहुत ज़्यादा नीवा है इस तू जो थले है ना जमीन उस तू नीवा है रोड तो काफ़ी ज़्यादा नीवा है तद करके जो मुश्किल हो जाता गटर तो काफ़ी नीवा बनाया है, हालांकि रोड उच्चा है पानी थले थले जा रहा है ये रोड बनाने तो पहले का इशू हैगा, लेकिन इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। चलने हैं चल के दुकान पे बहने आगे। अस्सलाम वालेकुम जी चाचू। हाँ जी अलहमदुलिल्लाह दुकान में चला रहे हैं
तो दाने जी इन्हें सेल करके तो आ गया भाई होने पैसे वगैरह भी दे आ गया लेकिन घर आया कई वगैरह लैके आने तेन जो इन्हें ठीक करा इंशाल्लाह लेकिन हैगा काम बहुत ज़्यादा खराब है। हाँ जी दाने मेरे होए थे 4300 रुपए के 4100 ना दिता 200 रुपए के मच्छियों के डब्बे लैके आ गया शुक्र अलहमदुलिल्लाह डर वाली टेंशन खत्म हो गई। हाँ जी अपने जेने बदे बदे नोट जेने चुप के तो पा लें जेब च खुले खुले जेने इन कर इन रख दें जी हजर मौके पर हो गया ठीक तो मैं गया सीगा क्योंकि मेरे वाला मोटरसाइकिल लै गया छोटा बाई तो मैं जेना तुआनिया को लैके तो गया गया तो हूँ जो दिल है मेरा साइकिल वगैरह जेना कढ़ी हैगी है अपनी लारी तो दो दिन कम है गया वो करने है गया लेकिन यदा गुजारा हो गया सिर्फ उन्हें खाडा जोड़ा हो गया खुरा उन्होंने जेना जरा उच्चा करांगे इनू बंद करांगे जो बारिश आए ना मिट्टी वगैरह खास तौर पर ज़्यादा चली गई है क्योंकि ना अजे तक इन छेड़ना भी नहीं है सिर्फ उन्होंने उच्चा करा थोड़ा सी ठीक करा फिर इंशाल्लाह निज़ाम उम्मीद चल जाएगा। हाँ जी ये अब फिर जल्द लगा लगा बूटिया पानी बाकी है कि साडा वोट हैगा इमरान खान को इंशाल्लाह उम्मीद है कि अजय सूरत आए मामलात अल्लाह ने चाहते इंशाल्लाह जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे हम की करिए साड़ी हुकूमत ही इस किस्म की हैगी की आखिए लेकिन इंशाल्लाह वो कहते हैं कि ना देर तो बाद खैर होंगी हैगी रात तो बाद जिन्ना सुबह होंगी हैगी इस करके कोई नहीं दोनों के बदल है खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह खुशहाली आएगी तो है तो हूँ जो मैं पानी वगैरह इतने भी लगा लगा तो नाल दाल जिन्ना मेरा दिल है कि छिड़का देना पानी झाड़ू वगैरह भी देगा मुख्य आगे को दे देता पाइप चला लें की कर रही है की खा रही है खा पिया फारसी तौर पर जो सफाई शिकायत की लेकिन पानी जो फिर बंद हो रहा है जो कल प्रॉपर जो पट के ठीक करा पानी जो अच्छे तरीके ने छिड़क लें रोक लें इस बाद जो पानी लगाने दरवाजा वगैरह काफ़ी दिनों तक ये काम कंप्लीट किया पानी का छिड़काव किया क्योंकि ना कल दिल है मेरा कि एक बाई ने क्या मशीन का मशीन लैके आंदा है तो इंशाल्लाह 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 अपना काम जेना रगड़ाई शगड़ाई करा मतलब यदा ना बिल्कुल छोटा छोटा गा करा इंशाल्लाह हूँ जिन्ना थोड़े जे क्लिप शेयर करने हैं मतलब फुल लगे हुए नज़दीकू जो इन्हें कैप्चर करने हैं तो इंशाल्लाह फिर थोड़े ने शेयर करने हैं तो मैं दसिया जे कि कैप्चरिंग है मतलब कि क्लिप कि लो जी बेगम ने सारी सफाई सुथराई कर ली मुकम्मल ए टू जैड जन पानी बगैर तरोक दिता हूँ दिल ने मेरा पानी ए तरोक ला तो बाकी तो सारी सफाई ओके होगी इस तो बाद जाना किचन की सफाई सुथराई करके तो इंशाल्लाह रोटी पानी करनी तापियाँ चलो एक साइड तो ला लेना तो यार सब्जी की बनाई है किश है क्योंकि बेगम सुती उन्होंने ठीजी है मूँह इंजना
अच्छा वेख हम कह रहे जी भिंडियां पईयां नगियां ओयो बना लेने हैं बाकी ए टू जेड सफाई सुथराई तो हो गई दिन तो माशाल्लाह जी देखो काफ़ी पिया जी पैसे कितने लेने की पैसे जी की अंदर लाया है मामा दे मामा कितने मामू हाँ जी बाकी रूटीन जेना अज कुछ नहीं कर सकते दुकान की वजह से कुछ बाकी सर्विस वगैरह की वजह तो मैं दिल ही नहीं कि तो मैं पता नहीं मिलागा अपलोड होएगा ना होएगा तो है कि इंशाल्लाह रही जिंदगी तो मिलागे तो नेक्स्ट किसी अच्छे जो ब्लॉग अपना ख्याल रखे जे दुआएं याद रखे जे अल्लाह हाफिज़।